नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो वी आर सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमएचटी सीईटी। स्टूडेंट्स, के पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि एमएचटी सीईटी के लिए सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च कर दिया है, विच इज अ 1 month सब्सक्रिप्शन एट जस्ट 2200। सो पीसीएमबी की कंप्लीट तैयारी होगी इसमें, राइट? पीसीएमबी की कंप्लीट तैयारी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं तो पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो पीसीएमबी के सारे बैचेस की। जितनी भी बैचेस हुई है आपको सबके सब एक्सेस मिलेंगे, और बहुत सारे एजुकेटर हैं, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो इस कूपन कोड को जरूर यूज करें, आपको MANDHN इस कोड के द्वारा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, cos x को t ले लेता हूँ। इफ cos x इज t तो क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, t का डेरिवेटिव dt और dx यहाँ पर। सो sin x dx इज कम्प्लीटली रिटन एज माइनस dt। दोस्तों यहाँ पे है sin x, यहाँ पे है dx, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt। अल्टीमेटली दिस इज t raised to 4, फाइनल आंसर इज t raised to 5/5 plus c। बी इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम गिविंग यू 1 minute, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं कौन कर पाता है। आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, पहली बात तो इंटीग्रल है, दूसरी बात तो sec x है, तीसरी बात तो log of sec x plus tan x dx। सो बेसिकली आप sec का डेरिवेटिव लो, sec x का डेरिवेटिव, sec x tan x, tan का sec square x, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लॉक का डेरिवेटिव लो, लॉक का 1/ समथिंग आएगा, लेके देखते क्या होता है। लॉग ऑफ sec 10 ले लेते हैं, डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा 1/ sec x प्लस tan x। बड़ी x था क्या, नहीं था। sec का डेरिवेटिव sec 10, tan का डेरिवेटिव sec square x। तो दोस्तों ये sec 10 यहाँ पे भी है और sec और tan यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से sec x कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर बजेगा tan प्लस sec, नीचे क्या बजेगा, sec प्लस tan। sec x बच गया, sec x dx। सो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। दिस इज i इक्वल्स टू t dt, दिस इज टी स्क्वायर बाई टू, लॉग ऑफ sec 10 का स्क्वायर बाई टू, बी इज द करेक्ट आंसर। हा, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबर, एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन हुई अब आसान। आप टॉप कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम आपकी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए लाए हैं एक बेस्ट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं, अनअकैडमी विच इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया आपका ड्रीम अचीव करने में हेल्प करेगी। COEP, VJTI जैसे टॉप कॉलेजेस और ड्रीम कॉलेजेस अब आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी कोर्सेज। दोस्तों, प्राइसेस काफी जो है, अगर आप देखेंगे, रीजनेबल रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सके। आपको क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे, रेगुलर स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ इन्हें अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, आप जितने बार चाहो देख सकते हो। डियर स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड देन क्रैश कोर्सेज। बच्चों, एक और चीज आप ख्याल में रखिए, इस कूपन कोड को जरूर यूज करें, MANDHN, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस एक ही पैकेज में आपको मिलने वाला है लक्ष्य बैच भी, जिसके लिए आपको एडिशनली पे नहीं करना। बच्चों, इसी कोर्स में आपको लक्ष्य बैच मिलेगा जिसमें महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे। बच्चों, नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, दैट इज 8585 5 बार, ठीक है, 8585 8585 85।
तो बच्चों सारे बैचेस जो रहेंगे स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, सिलेबस का क्विक रिवीजन कराया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट दी जाएगी और रिकॉर्डेड कंटेंट आप अनलिमिटेड बार देख सकते हो। 5th मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज द लक्ष्य बैच विच इज इंक्लूडेड इन द पैकेज। ऑल्सो वी विल प्रोवाइड द फुल लेंथ टेस्ट, दिस इज द वेरी 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 बिग एडवांटेज। दोस्तों देवी और सज्जनों, फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा आप अपनी एग्जाम को एग्जैक्टली फील कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, आपको जो मिलेगा इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस डिटेल्ड एनालिसिस के द्वारा आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। उस टॉपिक के रिलेटेड आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो। ऑल्सो आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे पता चलते जाएगा। ऐसे कैसा होता है, आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो उसका आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग नहीं मिलता है। सो दिस इज द रियली बिग थिंग। ऑल्सो इफ आई लाइक टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग, देखिए 3000 यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रही है, पर अगर आप 20th मार्च के पहले एनरोल करते हैं तो आपको दिखेगा 2439, तो राउंड ऑफ 2400। पर यहीं तक बात नहीं रुकती, मेरे स्टूडेंट के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट है विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड मंधान। सो देवी और सज्जनों, दिस इज अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, इतनी कॉस्ट पे आपको बुक्स मिलेगी बच्चों, इतनी कॉस्ट का आपको पेट्रोल लग जाएगा। ऑफलाइन की फीस अराउंड 20,000 से 25,000 है, पर ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा वादा है बच्चों, सारे बेस्ट एजुकेटर आपको इतने रीजनेबल प्राइस पे मिले ये काफी मुश्किल होता है। साथ ही साथ प्राइस रीजनेबल होने के बावजूद आपको जो एजुकेटर मिलेंगे काफी बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, मैं भी पर्सनली वहां पे आपके लिए 30 स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। वी विल एक्सटेंड इट एज वेल, अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है तो ये लेक्चर्स होते रहेंगे। सो दोस्तों देर किस बात की, अभी इस अपॉर्चुनिटी में हिस्सा ले, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, और अपनी सक्सेस को एंश्योर करें। अब ड्रीम कॉलेज आपको मिलके ही रहेगा। नाउ द ड्रीम कॉलेज कैन बिकम रियलिटी, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। अभी एनरोल करें बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन यूज द कूपन कोड मंधान टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। देखिए आ रहा है क्या आपको करने, एक फॉर्मूला है बेसिकली, अगर आपको याद होगा तो 1 cot² x इज इक्वल्स टू cosec² x, है ना, ऐसा कुछ है ना फॉर्मूला? यस ऐसा कुछ है। ओके ऐसा कुछ है क्या? So cosec square is 1 cot² right? अच्छा सबको साइन कॉस में बदल के देखें क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखो बस एक आइडिया ही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले आ जाएगा cosec square x, that is 1 sin² cot is cos by sin square, एलसीएम ले लो, रूट ऑफ sin square ऊपर आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा 1 cos² x। सो इट इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x This is 1 cos² x। So cos x को t ले लोगे सॉल्व हो जाएगा। हाँ cos x को t ले लो, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स और आ जाएगा माइनस dt। तो पूरा सब्सटीट्यूट हो जाएगा ये दोस्तों,
वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी मतलब टी प्लस क्वेश्चन. सो दिस इज द ओनली वे वी कैन गेट द आंसर. सो बी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. इट इज सच अ नाइस क्वेश्चन. देखिए आपको आ रहा है क्या करने. सिंपली यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव्स. देखिए स्टार्ट करिए. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ओके डू लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दे रखा है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप x को एक बार sin थीटा रखोगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है. सो इफ यू पुट x इक्वल्स टू sin थीटा तो ये क्या हो जाएगा. इट इज tan इनवर्स ऑफ sin थीटा. दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा. वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस का स्क्वायर. स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा. दिस इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. सो फाइनली मैं ये कह दूं कि दिस इज टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा. सो एज यू नो दैट लॉजिकली ये दोनों कट जाएंगे. थीटा विल बी अवर आंसर. सो थीटा इज वॉट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा ना. तो साइन उधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा. गुड. सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेने आ जाएगा आपको वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. फिर और आगे बढ़ते हैं. जल्दी से लिख लीजिए फिर और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू हमारे सामने है. y इक्वल्स टू एक्स रेस टू टू टेक log बोथ साइड. सो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स रेस टू टू. तो जो पावर है वो नीचे उतर जाएगी. सो जाएगा लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स. गुड. नाउ टेक द डेरिवेटिव. लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई. बट ये एक्स था क्या. ये एक्स नहीं था. अब आगे देखते क्या हो रहा है. एक्स स्क्वायर बाहर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स. लॉग एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स. सो दोस्तों ये सिंप्लीफाई हो चुका है. मैं इधर लिख देता हूँ डेरिवेटिव का आंसर. डेरिवेटिव इज नथिंग बट वाई डैश इक्वल्स टू वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स. So do you find somewhere 2x log x? No, no, no. There is just log x and then x. Log x and the x, है ना. So 2 log x plus 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. Right? So basically, थोड़ा सा मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से x कॉमन लिया हुआ है तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. वापस सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है इतना आपने लिख लिया होगा. मैं क्लीन कर लेता हूं. तो दोस्तों ये जाएगा डेरिवेटिव. y इज वॉट एक्स रेस टू टू. अब यहां से x को कॉमन ले लो. अंदर बचेगा 1 प्लस टू लॉग एक्स. ठीक है ये x रेस टू 1 राइट. सो हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आ जाएगा 1 प्लस टू लॉग एक्स.
इट्स ओवर, सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जल्दी से ट्राई करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जल्दी 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 से सॉल्व करिए दोस्तों. चलिए, दिस इज y इक्वल्स टू x की पावर में वेरिएबल, सो वी वुड लाइक टू टेक log बोथ साइड्स, हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x टाइम्स log ऑफ x. अब डेरिवेटिव लो, सो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. ठीक है, log x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, गुड टू गो. सो बेसिकली dy by dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स, मतलब x रेज टू log x. दिस इज 2 log x by x. सो कहाँ मिल रहा है, सब सब अजीब अजीब से आंसर है. नहीं देखो, ये x रेज टू 1 है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दिख रहा है आपको इधर? कैन यू सी दिस? जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो इधर हो रही है और 2 log x भी है. सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नोटेड डाउन, बी इज द करेक्ट आंसर. Have a note of it. दोस्तों जल्दी से इसके लिख लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिव अ ट्राई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जल्दी से ट्राई करिए. तो चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x रेज टू log x. इफ यू टेक अ डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो हमारा आंसर क्या आया है, x रेज टू log x माइनस 1 टू log x. ठीक है, सो 2x 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 सब में है, और 2 बाय x है यहाँ पे. मेक सेंस? 2 बाय x या देखो इन्होंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ इन्होंने क्या किया है. ये जो फाइनल आंसर आया ना, मैं क्लीन कर लूँ थोड़ा, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट. बस सिंप्लीफाई में ही इन्होंने सारे काम करे हुए हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या रखा है.
इन्होंने 2x यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, x रेस टू log x, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, 2 log x बाय x, बराबर। सो इन्होंने यहाँ पे देखो x की पावर में log x रखा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अब log x रखा है ये भी दिख रहा है, और 2 बाय x रखा है ये भी दिख रहा है, मतलब a इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, लिख लीजिए जल्दी से। टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। देखिए ऑलरेडी इसका मैंने शॉर्टकट डिस्कस किया हुआ है, तो क्या आपने वो शॉर्टकट देखा है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, मैंने इसकी ट्रिक शेयर करी है पहले ही, सो डू चेक आउट। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ई रेस टू एक्स साइन एक्स, राइट। सो बेसिकली वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स डॉट साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी गैस क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई गैसिंग आ रही है आपकी दोस्तों, डू लेट मी नो। देखो सबसे पहले वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गुराते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज डन एज ऑफ नाउ। ये हो जाएगा log y equals to x sin x log e। log e is 1, so log y equals to x sin x। दोस्तों सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, log y का डेरिवेटिव 1/y, बट ये x था क्या, नहीं था। x बाहर, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x बाहर, x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनल आंसर आ चुका है y डैश इज इक्वल्स टू y टाइम्स x cos x प्लस sin x। किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, आंसर मिल चुका है x cos x sin x, सो ये रहा a इज द करेक्ट आंसर। So kids, please have a note of it. देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फॉर्मूला है 1 cos θ इक्वल्स टू 2 sin²θ/2। दूसरा है 1 cos θ इक्वल्स टू 2 cos²θ/2। So 1 cos θ is 2 sin²x, then 2 cos²x. So this is I equals to 2 कट जाएगा, sin square by cos square, 10 square, square root कट, दोस्तों ये यहाँ पे कैंसलेशंस हो जाएंगे। x का इंटीग्रेशन x²/2। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से लिख लो, सच अ नाइस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से देखिए आ रहा है क्या।
आई थिंक ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक के वे से आप कर सकते हो। चलिए वन अपॉन क्वाड्रेटिक की मेथड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। सबको पता है स्टेप नंबर वन है मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन, उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन बाय टू इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो प्लस वन कर दो और इधर माइनस वन कर दो। ये कमाल करने के बाद आपको एक चीज नोटिस हो रही है, पता है क्या? इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर दिस इज नथिंग बट वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, सच अ नाइस क्वेश्चन। सो दिस इज द फाइनल आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम गिविंग यू वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डू लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं देवी और सज्जनों कौन इस सवाल को सॉल्व कर पाता है। तो चलो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या लगता है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करें या ना करें? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई टेक इट डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टेन का डेरिवेटिव वन अपॉन टेन। टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर और बाकी का डेरिवेटिव वन बाय टू। सो इफ यू सिंप्लीफाइड फर्दर, टेन होता है साइन बाय कॉस, सेक होता है कॉस इंटू कॉस और ये वन बाय टू। सो बेसिकली कुछ कैंसिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो वी आर लेफ्ट विथ वाई डैश इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू साइन कॉस, राइट? हम अगले पेज पे आते हैं सॉल्विंग के लिए। सो दिस इज आई इक्वल्स टू वन अपॉन टू साइन कॉस। दिस इज पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। सो दिस इज आई इक्वल्स टू साइन टू थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसे इंटीग्रल था नहीं ना, मैं इंटीग्रल क्यों लगा रहा हूं, आपका भी ख्याल नहीं था ना। व्हाई वी आर यूजिंग इंटीग्रल, इट्स अ डेरिवेटिव ना। ऐसा होता है, मैंने 50-60 क्वेश्चन करे ना तो वही घूमता है दिमाग में। दैट इज कोसेक एक्स, नहीं नहीं नहीं, सो दिया जाएगा 1 बाय कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स।
खत्म फिनिश ओवर। प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है इन फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको सॉल्विंग इजी हो जाए। सो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूलाज हैं, देख लीजिए। कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये जो फॉर्मूला है अपने सामने है कॉस ऑफ टू थीटा के। अब साइन टू थीटा के फॉर्मूले देखते हैं, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो इनको लिख लो, काफी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज तो आज क्वेश्चन में भी होने वाला है। दिख रहा है आपको कॉस टू एक्स दिख रहा है ना, इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हैव अ नोट ऑफ इट, ये लर्न कर लो। थ्री थीटा के भी जरूरी है, बाद में देखेंगे थ्री थीटा, बट पहले ये नोट डाउन जरूर कर लें। सो नॉलेज के लिए मैं थ्री थीटा भी लिखा के दे दे रहा हूँ, जस्ट राइट इट। साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा रहता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा इज फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। सो ये भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्वेश्चन की सॉल्विंग पे आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉग है और वाई इक्वल्स टू दिस। तो क्या नोटिस हो रहा है आपको, वन माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या? सो कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो अगर आप ये कॉस टू एक्स यहीं पे रखोगे, राइट, ठीक है, कॉस टू एक्स यहीं पे रखोगे, माइनस वन को इधर हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस करी, इधर डबल थीटा है तो इधर सिंगल थीटा हो रहा है। सो ये हो जाएगा रूट एज इट इज, सो वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज टू कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल आ जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा टू साइन का स्क्वायर एक्स बाय टू। दोस्तों ये यहाँ पे आ जाएगा लॉग स्क्वायर कट रूट कट टेन एक्स बाय टू। आई होप आगे की फाइट आप लड़ सकते हो, देयर इज नॉट अ बिग डील। ये y इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाय टू, तो टेक अ डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव वन अपॉन x, बड़ी एक्स था क्या, ये एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स बाय टू का डेरिवेटिव वन बाय टू। हाउ यू वुड लाइक टू ट्रीट टेन, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, व्हाट यू कैन राइट फॉर सेक कॉस कॉस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद वन अपॉन टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, दैट इज वाई डैश इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन एक्स, दैट इज वाई डैश इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स।
सो किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. टाइम स्टार्ट नाउ. देखिए आ रहा है क्या करने. रियली नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है. वाई इक्वल्स टू सो इफ यू कीप एक्स इक्वल्स टू 10 थीटा. सारा काम सिंप्लीफाई हो रहा है. आइए देखते हैं. इट इज वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - tan²θ. This is y equals to दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने को आया है. मतलब बचा ही क्या इस क्वेश्चन में. सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ x equals to theta. That is y equals to cos को हम लिख सकते हैं sin of 90 - 2 θ. sin inverse sin cut. So theta can be written as what? डेरिवेटिव क्या आ जाएगा. -2/1 + x². सो ए इज द करेक्ट आंसर. किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. बिफोर मूव ऑन बता दूं, आप एक्स को कॉस रखो तो सॉल्व नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा. सो आप एक्स को टैन थीटा रखो सॉल्व हो जाएगा. देखिएगा लॉजिक कैसे है. सो इफ यू कीप एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 10 inverse of 1 + tan θ 1 - tan θ. This is y equals to 10 inverse of π/4. tan inverse tan उड़ चुके हैं यहाँ पे. That is π/4 plus theta. Theta is tan inverse of x. That is 1/1 + x². A is the correct answer. So kids, please have a note of it. It was such a nice question.